अब क्या है? बोला ना आपको मैंने कि पापा की चिंता मैं कर लूंगा और उनको बता दूंगा कि उनके लिए खाने में क्या बनाना है। ये बार बार पापा की चिंता के बहाने मेरे सामने मत आइएगा प्लीज। आप हमेशा ऐसे कड़वाहट के साथ काहे बात करते हैं? हम कोई बहाना नहीं बना रहे, हमारा फोन भूल गए थे वही वापस लेने आए। एक और बहाना, और ये हर बार मेरे सामने आके आंखें नम क्यों कर लेती हैं आप? अभी भी देखिए ना मैं आपकी आंखें, ऐसे लगता है जैसे सबने स्पेशली मैंने कितना परेशान किया है आपको। क्या आखिर क्या साबित करना चाहती हैं आप? हम जानते हैं कि आपकी इस दुनिया में हमारी कोई जगह ना है और हम जगह बनाने की कोशिश भी ना ही कर रहे हैं, और हमको खुद ही समझ में ना ही आता कि बात बात पर हमारी आंखें नम काहे हो जाती हैं। और डॉक्टर साहब हर चीज के पीछे कुछ साबित करना ऐसी बात ना है, हमारे मन को कुछ चुभता होगा इसलिए शायद आंखों से पानी आ जाता है। बाकी हमको भी ना ही पता कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे मन को चुभे जा रहा है। और ये जो सटाक से सवालों का तीर छोड़ रहे हैं ना आप, इक्को सवाल का जवाब आप भी हमको दे ही दीजिए। किस बात का इतना गुस्सा है आपके अंदर? क्या मतलब? माने आपके नजर में हम हुकुम सा का जानना ही बचाए ठीक है, लेकिन उनकी जान बचाने की नौबत आ जाए उनका जिम्मेदार भी तो हम ना है ना? और आप तो हमसे नफरत करते हैं ना, फिर हम जो भी करें जैसा भी करें उसे आपको का लेना देना? किस बात की इतनी नाराजगी है आपको? आपको लगता है ये सब नाराजगी है? नाराजगी इसके लिए बहुत छोटा वर्ड है। पर जो उम्मीद आप बांधे थे ना वो बहुत बड़ी थी। आपको लगा कि हम हुकुम सा की मदद करेंगे, लेकिन आप ही के अनुसार हम आपकी उम्मीद पर खरे ना ही उतरे। लेकिन इस सब में ना गलती आप ही की है, हमसे किस बात की उम्मीद? आप अपनी दोस्त से लगाइए ना सारी उम्मीद, उनका रसोई घर के माइक्रोवेव ओवन से लेकर वो कैसे चलाना है और CPR कैसे देते हैं छाती पर सब पता है उसको, तो आप सारी उम्मीदें उसी से लगाइए ना, हमको बख्श दीजिए। और जो नाखून के निशान पड़े हैं ना आपकी सहेली के ऊपर भी दवा लगा दीजिए, आपकी कलाई से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। चले जाएंगे आपसे दूर, आपकी नफरत से दूर, पर अपने बाबूजी को इंसाफ दिलाए बिना नहीं।